हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टर की यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स फाइनली एक नहीं दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं जिसकी डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इन वैकेंसी के लिए 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी रिलीज हो चुकी है जल विभाग की तरफ से। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे जैसा कि इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। दोस्तों इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर tipsworldbuzz.xyz पर। यहां पर आप आकर के वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं और दोस्तों आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर की जो वैकेंसी है, फर्स्ट नंबर की जो वैकेंसी है वो आपके सामने है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2022 का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसकी डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, जल विभाग की तरफ से निकाली गई है। और यहाँ पर जो पोस्ट है यानी कि जो प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट की वैकेंसी है, एसडीए की वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है। वही टोटल वैकेंसी जो है 155 है। ठीक है, 155 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बड़ी भर्ती है, अप्लाई जरूर कीजिएगा, अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सैलरी की बात की जाए तो कम से कम आपको 18,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, तो सैलरी जो है आपको शुरुआत में काफी अच्छी मिल रही है। वही दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं, एज लिमिट क्या है, मिनिमम जो एज है वो है 18 साल, यानी कि आपकी जो एज है कम से कम 18 साल की होनी चाहिए तब तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वही मैक्सिमम जो एज है वो है 40 साल तक की, तो 40 साल तक के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आप ये बेनिफिट भी ले सकते हैं, आईसीयू में छूट आपको मिल जाएगी जो कि सरकार के नियमानुसार होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है अप्लाई करते समय कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो आपको क्लियर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कम से कम 10वीं पास है, अगर दोस्तों आप 10वीं क्लास पास हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीयूसी पास है, आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है कर्नाटका की रहेगी। ठीक है, तो कर्नाटका राज्य से ही जल विभाग की वैकेंसी निकल कर आ रही है और इस वैकेंसी के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, अप्लाई आप देख सकते हैं 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है जिसका लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है और ये रहा नोटिफिकेशन का लिंक। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसी की ओर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि जल विभाग की तरफ से है। आपको बता दें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये आप देख सकते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से है, CGWB की तरफ से है। दोस्तों यहां पर जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, एससीडी की वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके आवेदन केवल आपको ऑफलाइन करने होंगे, बाय पोस्ट ही अप्लाई करना होगा। इन वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। वही दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपको मिल रही है 19,900 से 63,200 रुपए पर मंथ जो कि काफी अच्छी सैलरी है। वहीं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम जो है मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम जो है 27 साल है। इसके अलावा आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, अगर आप एससी एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स है तो आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट यहां से भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, तो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए 10वीं
पास के साथ साथ डीएल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल का या हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 26 है और अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता दें कि यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, केवल 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप जो है नोटिफिकेशन पे जाएं, यहाँ पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। ये कर्नाटका का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेकंड नंबर की वैकेंसी का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल ग्राउंड वाटर की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पर एड्रेस दे रखा है पिन कोड के साथ में और 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। सारी जानकारी के लिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। और अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको भर के सबमिट करना होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके सिटी की वैकेंसी जो भी होती है आसपास की वो अपडेट आपको सबसे पहले दे सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।